गाइस अभी हम गाजियाबाद पहुंचे हैं गाइस। फिलहाल अभी मैं गाजियाबाद बचा हूँ, टी का शॉप देखते हैं। जैसे एक ये भी बना हुआ था लेकिन एक छोटा सा देखते हैं शॉप। यहाँ पे देखते हैं तो फैमिली लग रहा है मुझे। हाँ वो जेंट्स है, ये फैमिली हॉल है। बैटरी की गाइस 40% बची है, पता नहीं कितना मिनट चले। पाकिस्तान रेस्टोरेंट 80 चाहे 80 रुपीज़, बिल्कुल मुनासिब रकम ली। मेरे ख्याल से 80 75 थी शायद, मैं घर से निकला था तो इसकी बैटरी 75 थी। अभी मेरे ख्याल से 60 या 70 किलोमीटर होगा। कहाँ जाना है? ये उतराई से नीचे ना गाड़ी खड़ी है। एक भाई की गाड़ी का वैन थी इसकी, और कह रहा था डीजल, पता वैन थी या कोई डीजल वाली गाड़ी थी कोई भी, इसकी सामने की खड़ी थी, मुझे तो वैन लग रही थी। तो यहाँ मैं बता रहा है लाइक, मुझे एक खौफ होता है काफ़ी के ना दूँ। हालात आजकल बहुत ही ख़राब हो गए, जो ज़्यादा नहीं दे रहे हैं लेकिन फिर भी कभी कभी बात देनी पड़ जाती है इंसान के खाते। इस वक्त गाइस बड़ा टाइम हुआ है 6:40, अभी हम खाना बुला था। मैं भी सोच रहा हूँ, हम मतलब मैं और आप भी कर रहा हूँ, कहाँ बोला था ना, कहाँ बोला था करके, सॉरी खाना बोला था थोड़ा दूर है, 2 किलोमीटर लिखा हुआ बोल कर, अभी मैक्सिमम 2 प्लाजा होगा, 50 किलोमीटर के खाना बोला था शायद राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे गाँव में गर्मी एरिया खाना बोला था। काफ़ी टाइम से लॉन्ग राइड नहीं की थी, लॉन्ग राइड भी हो गई तो सुकून मिल गया था। बाइक राइड करके मज़ा ही अपना है, लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन और वोट करें जिससे काफ़ी मुझे सपोर्ट मिल सके आपकी नॉर्दर्न एरिया के भी। मैं टूर करना चाह रहा हूँ, बल्कि मैं पंजाब जाना चाह रहा हूँ, पंजाब बलोचिस्तान। मैं सोच रहा हूँ कि अगर फिलहाल अभी तो मेरी जेब बिल्कुल खाली है, अगर आप लोगों की सपोर्ट मिली मुझे DP 125 का ब्लॉक हो गया भाई, छोटी भी है फिर ये भी गाड़ी बहुत प्यारी है, नो डाउट बहुत प्यारी है।
उसका शेप भी अच्छा, और मेन जो चीज है ना वो रिम टायर, उसको हम उस टायर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू के टायर पे, तो उसके लिए अलग से 28,000 के रिम लूँ, फिर उसको मैं कन्वर्ट करूँ टायर से, तो बेहतर है ये बंदा CB1 के पास अपने और का लुक भी है। भाई सात पूरे बच चुके हैं और एक लुक के बाद एक किलोमीटर से ज़्यादा ही है, ज़्यादा चार किलोमीटर, 3 किलोमीटर जो है 1 किलोमीटर बाद जो है ज़्यादा बाइक का है फ्री ज़्यादा उस पर है, गवर्नमेंट ने टूल भी रखा उधर का बस अड्डा बाइक भी रखे मुझे इसकी एक्स्ट्रा बैटरी लेनी पड़ेगी गाइस। मेरे ख्याल से अभी भी है, मैं दिखा रहा है कि 1 घंटा 25 मिनट निकाल लेगी। और गाइस ये हम अभी सेकंड टोल प्लाजा जाम करो वाला पहुंच गए, आई थिंक 3670 में मैंने फ्यूल डलवाया था भाई सुपर हाईवे पे कराची, और 132 किलोमीटर के बाद फ्यूल प्लग आ गया। यहाँ से और भी 8-10 किलोमीटर और भी दूर है, तब जाके हमारा घर आएगा। सफर ये अच्छा सफर गुजरा गाइस, वापसी में कोई परेशानी नहीं हुई, हालांकि मैं सोलो था लेकिन कोई हवा का प्रेशर नहीं था। जाते हुए बड़ी परेशानी हुई थी क्योंकि हवा का प्रेशर था इस साइड से, कराची की हवा की साइड से ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था हवा का। ये रेलवे जो ट्रैक है अमेरिका में, ये पंजाब को भी कनेक्ट होता है, एक हमारी तरफ भी कनेक्ट होता है लाड़काना की तरफ। लाड़काना में सुना है कि अभी ट्रेन खुली हुई है, अब कंफर्म नहीं है। ओह ट्रैफिक जैम है गाइस। गाइस ये अभी हम अब्दुल्ला मॉल पहुँचे हैं, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, ड्रेस भी अच्छे बन चुके हैं।
जी आप देख सकते हैं अब्दुल्ला मॉल। वादू आज यूटर्न है अगियो आ वादू आजो टर्न गोपुर हीरो 8 की बैटरी खत्म होने वाली है शायद। हाँ यहाँ से रास्ता है ना। रह चुकी है GoPro की बैटरी तो ये हम गाइस वादुवा गेट की साइड पर यू टर्न करके बहुत ही खराब था रास्ता यू टर्न का और बैटरी बता रहे कि 1 घंटा 22 मिनट चलेगी लेकिन बैटरी लेकिन इसकी बैटरी तो 15% बची है। गाइस अभी आपसे जाऊंगा इजाज़त क्योंकि बैटरी हो सकता है किसी वक्त भी बंद हो जाए और मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा बैटरी लेनी पड़ेगी, एक बैटरी से गुजारा नहीं होगा। लेकिन गाइस इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और आई होप आपको ये जो मेरी लॉन्ग राइड थी GoPro की आपको अच्छी लगी होगी। गाइस मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त तो इंशाल्लाह किसी अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल कीजिएगा गाइस, बाय बाय गाइस।